मुसीबत के समय तो हर कोई भगवान को ध्यान कर लेता है, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान को वैसे भी ध्यान में रखते हैं। पर भगवान को ध्यान में रखने के भी मोटे तौर पे दो तरीके हैं, मैं उस पे आऊँ उससे पहले मैं आपको फैन बॉय की कहानी बताता हूँ। इसका नाम हमने फैन बॉय इसलिए रखा क्योंकि जब ये यहाँ पे आया तो पंखे की ही तरह इसके भी सिर्फ तीन ही पैर थे। सुअर पकड़ने वाले शिकंजे में इसका पैर फंस गया होगा तो या तो फिल्मी स्टाइल से इसने अपना पैर खुद ही काट के अपने आप को छुड़ा लिया या वो खुद ही कट के गिर गया। अब मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को सुअर का शिकंजा लगा के डायरेक्ट अपने सर पाप लेने की क्या ज़रूरत है, जबकि मात्र 50 रुपये में फास्ट फूड वाले सुअर पैदा करके टॉर्चर करके मार के पूरा बर्गर बना के बेच रहे हैं। खैर ये तो हैरत अंगेज बात है ही कि फैन बॉय उस शिकंजे से कैसे छूटा, पर यह भी कोई करिश्मे से कम नहीं है कि ना तो इसके जख्म में कीड़े पड़े और ना ही कोई इन्फेक्शन हुआ। पर फिर भी क्योंकि इसका जो पैर बचा हुआ था ना वो रगड़ रगड़ के इसकी चोट ताज़ा ही रह रही थी, तो जब ये यहाँ पे आया हमें सर्जरी करके इसका पैर हटाना पड़ा। ये वो अपनी सर्जरी से काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है और ये बहुत फ्रेंडली भी है, तो जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा हम इसके लिए घर ढूंढने की कोशिश करेंगे और जितना ये फ्रेंडली है भगवान की दया से बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाएगा। तो खैर मैं आपको कह रहा था ना कि भगवान को भी ध्यान में रखने के मोटे तौर पे दो तरीके हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई भगवान से डरो, भगवान हमें देख रहे हैं, ये लोग वो हैं जो किसी और को दुख नहीं पहुंचाएंगे। पर इसके अलावा वो भी लोग हैं जो कहते हैं भगवान पे भरोसा रखो, वो हमें देख रहे हैं, और ये लोग जिंदगी में कुछ भी झेल जाते हैं इनका लाइफ के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रवैया होता है। अब जैसे फैन बॉय को ही लीजिए, इसको ये नहीं लगता कि यार मैं जिंदा तो हूँ मेरा पैर कट गया, इसको लगता है मेरा पैर कट गया तो क्या, मैं जिंदा तो हूँ ना,